अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे, मार्क्स ज़्यादा आए हैं, सप्ली लगा दी है पंजाबी यूनिवर्सिटी ने, ये क्या इशू है, सब्जेक्ट कौन सा है, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आप लोगों को मैं विद प्रूफ रिजल्ट के साथ बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग बी ए बी एस सी ए डी पी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। इंशाल्लाह आप लोगों की जो सप्ली है या एनुअल आप लोग देना चाह रहे हो तो आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी और आप लोगों की सप्ली भी बआसानी 40 डेज़ के अंदर क्लियर हो जाएगी। तो बात करेंगे, ये देखें आप लोगों का रिजल्ट है, बेसिकली पार्ट वन में होती है इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी। अब यहाँ पे इशू क्या है ये देखें, स्टूडेंट कहते हैं आपको पता है कि 100 में से 33 नंबर लेने लाजमी होते हैं क्योंकि 33 वाला पास होता है। तो अब ये एजुकेशन है इसमें 37 आए हैं 100 में से, और ये इस्लामिया स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ में 51 आए हैं 100 में से, जबकि वो 37 हैं वो पास कर दिया गया, ये 51 है तो ये हमें फेल कर दिया गया। तो ये क्या मसला है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं उन सब को ना आपने सेपरेट 33 लेकर पास करना होता है, और ये जो इस्लामिया स्टडीज़ कंपल्सरी और पाकिस्तान स्टडी है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है, यानी कि एक दूसरे के साथ लाजम मुलजुम है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान स्टडी में फेल होते हो तो इस्लामिया स्टडी भी आपकी फेल है, चाहे आप उसमें पास भी हो। अगर इस्लामिया स्टडीज में आप फेल होते हो, पाकिस्तान स्टडी पास है, तो आप दोनों में फेल हो। ये एक ही सब्जेक्ट आपका कंसीडर किया जाता है। अब इसका रेशो क्या होती है, इस्लामिया स्टडी का कंपल्सरी का पेपर होता है 60 मार्क्स का, और उसमें आपने अलहदा से 33% लेने हैं। पाकिस्तान स्टडी का 40 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें आपने अलहदा 33 मार्क्स लेने हैं। यहाँ पे अब आपको शो नहीं हो रहा कि आपके इस्लामियात में कितने हैं और पाकिस्तान स्टडी में कितने हैं। ये कब शो होगा, ये कैसे पता चलेगा, ये अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी आपको शीट आपके घरों के एड्रेस के ऊपर सेंड करेगी, आपके कॉलेजेस को सेंड करेगी, यानी कि रिजल्ट शीट जिसके ऊपर एक एक सब्जेक्ट के डिफरेंट ओरिजिनल जो रिजल्ट कार्ड होता है ना, जिसको आप यही समझें ओरिजिनल जो रिजल्ट कार्ड आपके घरों में आएगा ना, उसके ऊपर इस्लामियत कंपल्सरी के अलहदा मार्क्स लिखे होंगे, पाकिस्तान स्टडी के अलहदा लिखे होंगे। तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आप लोगों के कितने कितने मार्क्स हैं पाकिस्तान स्टडी में 40 में से अलहदा 33% और पाकिस्तान इस्लामियत कंपल्सरी में 60 में से अलहदा आपने 33% मार्क्स लेकर पास होना है। ये शर्त होती है इन सब्जेक्ट की। अगर आपका एक पास होता है, दूसरा फेल है, तो आपका ऑटोमेटिकली दोनों फेल है, यानी एक ही सब्जेक्ट ये कंसिडर किया जाता है। ये रूल होता है इसका, ठीक है। सक्सेसफुल ग्रेजुएट को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।